गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस व्याख्यान में मैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए जूलॉजी के फर्स्ट पेपर कॉर्डेट्स एंड इवोल्यूशन के अंतर्गत क्रोकोडिलियंस या क्रोकोडिलिया के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्रोकोडाइल्स, मगर, घड़ियाल, एलिगेटर, कैमेन, ये क्रोकोडाइल श्रेणी के एनिमल्स हैं और इनको हम सामूहिक रूप से क्रोकोडिलियंस कहते हैं, जिसमें खास तौर से मगर, एलिगेटर, घड़ियाल और कैमेन सम्मिलित हैं। सबसे बड़े जीवित सरीसृपों में से ये कुछ हैं। ये भयंकर और मांसाहारी छिपकली समान जीव हैं जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ताजे जल की नदियों में रहते हैं। इनका शरीर लंबा, बेलनाकार और अवनमित तथा सिर अगले छोर पर नासा रंध्रों सहित एक चपटे प्रोथ में निर्दीर्घित होता है, अर्थात इनके सिर के अगले सिरे पर स्नाउट वाले रीजन में नोजल एपर्चर्स के साथ में एक प्रोथ के रूप में ये आगे की ओर चौड़ा होकर के निर्मित होता है या दीर्घित होता है, और इनके पार्श्वों में लेटरल सरफेस से इनका प्रोथ संपीड़ित अर्थात कॉम्प्रेस्ड भारी पूंछ या बहुत भारी इनकी पूंछ होती है, जो इनके सुरक्षा के लिए भी होती है। पूंछ से ये वार करते हैं इसलिए पूंछ बहुत भारी होती है, और एक पूंछ का दूसरा उपयोग है बहुत भारी शक्तिशाली स्विमिंग एपरेटस, तरण उपांग बनाती है, स्विमिंग अपेंडिजेस के रूप में काम आती है। इनके पैर छोटे होते हैं, पाँच छोटे होते हैं, परंतु शक्तिशाली पंचांगुली पंजेयुक्त और जालयुक्त होते हैं। त्वचा मोटी, चमड़ेली, लेदरी होती है, हॉर्नी होती है, इस पर हॉर्नी स्क्यूट्स होते हैं। रेप्टाइल्स का मुख्य लक्षण मैंने जैसा कि आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि रेप्टाइल्स की त्वचा श्रृंगित होती है, शुष्क होती है और खुरदरी होती है, अर्थात हॉर्नी स्क्यूट्स, हॉर्नी स्केल्स इसके ऊपर पाए जाते हैं रेप्टाइल्स की त्वचा पर। तो इनकी त्वचा चमड़ेली हॉर्नी स्क्यूट सहित होती है। पीठ और तंदु के प्रशल्क आयताकार एवं चर्मी अस्थिल प्लेटों द्वारा आलंबित होते हैं। पूंछ पर पृष्ठ और चौड़ी प्लेटों का एक शिखर होता है। प्लेटें आधारीय अर्धभाग पर दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं, परंतु दूरस्थ अर्ध पर बाद वाले आधे हिस्से पर एक पंक्ति में स्थित होती हैं। अवस्कर एक अनुदैर्ध्य छिद्र के द्वारा खुलता है और दो जोड़ी कस्तूरी ग्रंथियां, मस्क ग्लैंड्स इनमें होती हैं। मस्क ग्लैंड खास तौर से मस्क डियर के अंदर पाई जाती हैं, परंतु क्रोकोडाइल्स के अंदर, क्रोकोडिलियंस के अंदर भी मस्क ग्लैंड दो जोड़ी स्थित होती हैं, जो कि क्लोइकल रीजन में स्थित होती हैं, एक कंठ पर और दूसरी अवस्कर में। ये कंठ और अवस्कर पर स्थित ये मस्क ग्लैंड्स या कस्तूरी ग्रंथियां मेल्स में खास तौर से पाई जाती हैं क्रोकोडाइल्स में, और ये जोड़े बनाने वक्त बहुत सहायक होती हैं मेटिंग के लिए, सेक्सुअल पार्टनर्स को सेलेक्ट करने के लिए।
बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। ये बड़े सरीसृप जलीय जीवन के लिए भली प्रकार अनुकूलित होते हैं और नासारंध्र, नेत्र और कर्ण छिद्र सिर पर ऊंचे स्थित होते हैं। इससे ये क्या लाभ होता है इनको, नासारंध्र, नेत्र या कर्ण छिद्र सिर के ऊपर उठे हुए हों, उससे इनको ये लाभ होता है इन जानवरों को, क्योंकि ये जल में रहते हैं तो इनका पूरा शरीर जल के अंदर डूबा रहता है और केवल नेजल एपर्चर्स या कर्ण क्षेत्र या आँखें ऊपर की ओर होती हैं, जो संवेदांग होते हैं, और इनके जिनको ये शिकार बनाते हैं उनको ये शिकारी दूर से दिखाई नहीं देता, ये ओझल रहते हैं, ये अपने वातावरण में जल में डूबे रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं इनके शिकार को, तो इनका शिकार इनको आसानी से मिल जाता है। अगर इनके नाक अंदर की ओर पानी में डूबे हुए होंगे तो श्वसन से पानी के ऊपर बुलबुले बनेंगे, तो उन बुलबुलों से इनका शिकार ये भांप लेता है कि पास में शिकारी है, मगर है, और वो बच के भाग जाएगा, बचाव कर लेगा, तो इनको शिकार नहीं मिल पाएगा। तो इनके पेट पालने के लिए इनका शिकार इनको सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो, इसलिए प्रकृति ने इनको ऐसे सुविधा प्रदान की है। ये एनिमल्स, इनके जो नासारंध्र हैं, ये बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं और पूरा शरीर इनका पानी में डूबा रहता है। जबकि पूरा शरीर या जंतु जलमग्न होता है तो ये अनाच्छादित रहते हैं, मतलब ये ढके हुए रहते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार श्वसन, दर्शन, दर्शन मतलब विजन और श्रवण अबाधित रहता है। जब जंतु डुबकी लगाता है तो नासारंध्र कपाटों द्वारा बंद किए जाते हैं। इनके नेजल एपर्चर्स के ऊपर एक कैप होता है, ढक्कन होता है, जिससे इनके नासारंध्र बंद हो जाता है और नाकों में पानी नहीं घुस पाता है। नेत्रों पर इनके निमेशक पटल खिंच जाती है और उससे ये फायदा होता है कि पानी में भी इनको विजन स्पष्ट होता है और आँखों पर पानी का असर नहीं होता है। इनका कर्ण त्वचा के पल्लों द्वारा बंद हो जाता है। एक पूरा कठोर तालु नासा और मुख गुहाओं को पृथक करता है और एक आंतर नासारंध्र घाटी या ढक्कन, इंट्रानेरियल एपिग्लॉटिस, श्वसनी या श्वसन नली को पीछे बंद कर देता है ताकि जंतु खाने के लिए पानी के नीचे मुख खोल सके और साथ ही पानी के ऊपर नासारंध्रों से श्वसन भी करता रहे। क्रोकोडिलियंस अन्य सभी सरीसृपों से कतिपय उच्च या प्रगतिशील लक्षणों के कारण अन्य जंतुओं से भिन्न होते हैं। जैसे इनके अंदर थीकोडॉन टीथ होते हैं, दूसरे रेप्टाइल्स में थीकोडॉन टीथ नहीं होते हैं, एक्रोडॉन टीथ होते हैं। इनमें गर्तों में स्थित गर्तदंती या थीकोडॉन टीथ होते हैं। अपेक्षाकृत एक पूर्ण अस्थिल तालु होता है। फुफ्फुसावरणी गुहाओं, प्लूरल कैविटीज में फेफड़े स्थित होते हैं। स्तनधारियों के अनुरूप एक पेशीय तनुपट या डायाफ्राम द्वारा प्लूरल गुहाएं शेष देह गुहा से पृथक रहती हैं। इनमें पूर्णतया फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। आमतौर पर रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड होता है, यहाँ पूर्णतया फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड जो होता है
वो रेप्टिलियन करेक्टर है। हार्ट यहाँ पर विकसित हो गया, इवोल्यूशन हो गया, चतुष्ट कोष्ठी हो जाता है, दो आलिंद और दो निलय। लंग्स क्या होते हैं? प्लूरल कैविटीज के अंदर बंद होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बोनी ऊपरी अस्थिल तालु होता है और नर में एक साधारण परंतु खांचयुक्त मैथुन अंग भी होता है, ये इनकी खासियत होती है। सभी क्रोकोडिलियंस अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं, और प्रायः 20 से 30 अंडे मृत वनस्पतियों के ढेर या रेत में देते हैं। क्रोकोडिलियंस की 120 जातियों में सबसे बड़ा दक्षिण पूर्वी एशिया का लवण जलीय साल्ट वाटर या ज्वार स्टूराइन ज्वार नदीमुखी मगर होता है, क्रोकोडाइलस पोरोसस उसको कहते हैं। यह 8 से 9 मीटर तक वृद्धि करता है और बहुत ही डरावना होता है। फ्रेश वाटर के अंदर अलवणीय जल में जो मगर पाया जाता है उसको क्रोकोडाइलस पैलुस्ट्रिस कहते हैं, जो कि मगर नाम से जाना जाता है और भारत में विस्तृत रूप से पाया जाता है और 5 मीटर की लंबाई तक पहुंचता है। गैवियल या घड़ियाल की एक मात्र जाति गैवियलिस गंगेटिकस गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सिस्टम में रहता है और 8 मीटर तक वृद्धि करता है। गैवियलिस की क्या पहचान होती है कि इसके ऊपरी शरीर पर एक पिचर या घड़ा जैसा होता है, कहाँ स्नाउट के प्रोथ के अग्रतम ऊपरी सिरे पर, और इसीलिए इसको घड़ियाल भी कहते हैं हिंदी में। एलिगेटरों में एलिगेटरों के अंदर जो खास बात होती है वो ये होती है कि इनके चीनी और अमेरिकी दो जातियां होती हैं, जो अमेरिकी एलिगेटरों एवं एलिगेटर मिसिसिपिएंसिस जो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भागों में पास करता है रहता है। और इस डायग्राम के अंदर क्रोकोडाइलिस एलिगेटर और गैवियल के कुछ विभेदी लक्षणों को दिखाया है और एक टेबल भी है आगे, उसमें भी एक्सप्लेन किया गया है। तो इस डायग्राम में आप देखिए, इसमें फोर्थ मैंडिबुलर टूथ है विजिबल, बाहर से साफ साफ दिखता है। इनका जो चौथा मैंडिबुलर टीथ होता है वो बड़ा होता है और मगर में दोनों लेटरल साइड्स में साफ दिखता है। इनका स्नाउट वाला भाग जो है आगे से सकड़ा होता है और उसमें एक खांच होती है। इसी तरीके से इनके आगे का हिस्सा कुछ में चौड़ा होता है और राउंडेड स्नाउट होता है, और घड़ियाल के अंदर वेरी लॉन्ग एंड नैरो स्नाउट होता है। और ये देखिए, इस जगह पर घड़ियाल आगे से पॉइंटेड होता है, तो ये इसकी खास पहचान। तो एलिगेट गैवियल की तो पहचान ये होती है कि इसके अगले सिरे के ऊपर एक पिचर जैसी आकृति होती है, लोअर जुआ और अपर जुआ के टीथ एक से होते हैं। एलिगेटर के अंदर इसके फोर्थ मैंडिबुलर के ऊपरी हिस्से में एक पिट होता है, इससे इसको हम पहचानते हैं। और क्रोकोडाइल में ये पिट नहीं होता है और यहाँ फोर्थ मैंडिबुलर टीथ इसका बड़ा होता है। तो इस डायग्राम में मगर एलिगेटर घड़ियाल के अंतरों को
प्रदर्शित किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मगर घड़ियाल और एलिगेटर को डिफ्रेंशिएट करें, तो ये डायग्राम आपको इसमें सहयोगी होगा। इसी तरह से इस डायग्राम में आप देखिए, ये इंडियन क्रोकोडाइल है, दूसरा ये अमेरिकन एलिगेटर है। तो इंडियन क्रोकोडाइल का स्नाउट और अमेरिकन एलिगेटर, एलिगेटर का स्नाउट आगे से चौड़ा होता है, क्रोकोडाइल का आगे से बीच में खांच होती है, स्नाउट में आगे से पॉइंटेड होता है परंतु खांच होती है, और जो गेवियल होता है इसका स्नाउट आगे से फोरसेप की तरह, चिमटे की तरह आगे लंबा होता है, और ऊपरी सिरे पर इसके एक घड़े जैसी चीज़ होती है। तो ये इसकी पहचान होती है। अब इस सारणी के अंदर आप देखिए, कुछ हमने यहाँ इसके अंतर को स्पष्ट किया गया है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियल और कैमेन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्रोकोडाइल मध्य अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, मलाया, इंडोनेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एलिगेटर उत्तरी अमेरिका में और चीन में मिलता है, जबकि गेवियल जो है मूलतः भारत में मिलता है। इसी तरह से कैमेन जो होता है केंद्रीय अमेरिका में मिलता है और सेंट्रल अमेरिका में मिलता है। ये अधिक आक्रामक होते हैं और मनुष्य के लिए खतरनाक होते हैं इनकी हैबिट, क्रोकोडाइल्स के। एलिगेटर कम आक्रामक होते हैं और जब छेड़ते हैं तभी आक्रमण करते हैं, और गेवियल जो है संकीर्ण कंठ के कारण केवल मछलियों को ही खा सकते हैं, गेवियल मनुष्यों पर अटैक नहीं करते हैं, और कैमेन जो है मछलियाँ, कीट, भक्षी आदि होते हैं। इसी तरह से इनके शरीर की लंबाई, क्रोकोडाइल्स जो हैं 8 मीटर लंबे होते हैं, एलिगेटर लगभग 3 मीटर और गेवियल लगभग 6 मीटर होता है, और कैमेन 3 मीटर, 3 फीट के आसपास होता है। इसी तरह से इनके कलर्स का डिफरेंस है, कलर्स इनके शरीर की लंबाई 8 मीटर, क्रोकोडाइल की, एलिगेटर की लगभग 3 मीटर, गेवियल की 6 मीटर और इसकी 3 फीट होती है। धब्बे जो होते हैं क्रोकोडाइल्स में पाए जाते हैं, काले धब्बे और पट्टियां सहित होते हैं, जैतूनी हरे रंग का होता है, एलिगेटर फौलादी भूरा होता है, और गेवियल जो है गहरा जैतूनी भूरा होता है, और ये जो कैमियन है ये हरा भूरा धारियों वाला होता है, इसके ऊपर चकत्ते पाए जाते हैं, पैचेस पाए जाते हैं। इसका जो स्नाउट होता है क्रोकोडाइल का, वो साधारणतया लंबा और नुकीला होता है। एलिगेटर का स्नाउट आगे से चौड़ा छोटा होता है और गोलाकार होता है, और गेवियल का बहुत लंबा और पतला होता है, और कैमेन का भी पतला होता है। इनके टीथ की जो मैंडिबुलर टीथ की व्यवस्थाएं हैं, उनकी शाखाएं जो है आठवां दांत तक, क्रोकोडाइल में 8वें दांत तक संयुक्त होते हैं मैंडिबुलर टीथ, एलिगेटर में 5वां दांत तक संयुक्त होता है, और गेवियल के अंदर 14वें दांत तक संयुक्त होता है। मतलब एक ही जबड़े के अंदर ये एक साथ एक सॉकेट में होते हैं। इनके जो दांत हैं एलिगेटर में, क्रोकोडाइल में और गेवियल में कैसे होते हैं, क्रोकोडाइल के अंदर ये 8 से 19/15 और समान होते हैं, गेवियल इसमें एलिगेटर में 17 से 22 और थोड़े से भिन्न होते हैं, और गेवियल के अंदर 27 से 29 हो सकते हैं दांत और समान तरीके के होते हैं। इनकी मैक्सिलरी खांच
में बैठते इनके टीथ, मैंडिबुलर टीथ। इन गैबियल के गर्त में बैठता है ये, इसके फर्क होता है, ये इसकी पहचान होती है। और मैंडिबुलर बाहर से दिखाई देते हैं क्रोकोडाइल में, एलिगेटर में बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये इनकी कुछ फ़र्क है, डिफरेंशिएट इन आधारों पर, इन बिंदुओं के आधार पर आप क्रोकोडाइल्स को, एलिगेटर को और गेवियल को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।